हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरे पति सेव हो रहे हैं, कितने चिकने लग रहे हैं ना। हम कहीं बाहर जाने वाले हैं इसीलिए वो फ्रेश हो रहे हैं, और मेरे बेटे को भी कंघी कर रहे हैं। उसके पापा उसकी ज़बरदस्ती कंघी कर रहे हैं इसीलिए उसका मुंह उतरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम आज जा रहे हैं लंच करने। बे यार, चलिए मेरे साथ बने रहिए। उन्हें पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, वो पानी पी के मुंह फुला गया, इसीलिए मैं हंस रही थी। तो चलिए लॉक करते हैं और निकलते हैं। मुझे अपने एक ननन से मिलने और वहां से जाएंगे लंच करने। चलिए चलते हैं, मेरे साथ बने रहिए। मैं क्या कहा जा ले जाऊंगी आपको, वहां वहां घुमाने ले जाऊंगी। चलिए चलिए चलिए। मेरे ननन जी एक होटल में लंच कर रहे हैं, उन्होंने कहा वहाँ पे आओ मिलके लंच कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है, वहाँ पे करते हैं या कहीं और करते हैं, कुछ पता नहीं। वहाँ पे टेबल होगा, खाली होगा तो हम बैठ जाएंगे। मैंने सुना था वहाँ पे बहुत रश होता है, तो चलिए देखते हैं। मेरे साथ बनी रहिए। तो हम पहुंच चुके हैं होटल में। ओह भगवान, यहाँ पे तो इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं। चलिए अंदर देखने गए मेरे पति, अगर टेबल खाली होगा तो हम भी जाके यहीं पे लंच कर लेंगे। यहाँ पे तो कुछ भी खाली नहीं है और उनका लंच खत्म हो गया, और ये है मेरे पति के जीजा जी बस। और अभी हमारे ननंद आ रहे हैं, बड़ी ननंद सा हो गए हैं अपनी छोटी बहन को बुलाने। ये हमारे कज़न हैं, मेरे हस्बैंड के कज़न हैं, वो अपने मतलब उनके बड़े पापा की बेटी हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं और वहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे उन सबको नहीं पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ। और वो वहाँ से चले गए, वहाँ पे तो बहुत रश था। हम वहाँ से एक और होटल आए हैं और यहाँ पे भी बहुत रश है, पता नहीं यहाँ पे सीट मिलेगा या नहीं। हम एक दूसरी होटल जा रहे हैं, शायद यहाँ पे खाली हो। ओ गॉड, एटलीस्ट यहाँ पे तो सीट मिला। आज लास्ट संडे है इसीलिए तीन जगह घूमने के बाद कहीं एक जगह हमें खाने को मिल ही गया। अभी तो तीन बज चुके हैं। मेरे पति कुछ ऑर्डर देने के लिए मेन्यू देख रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम क्या ऑर्डर करें। वो वेटर वाले भैया हमें ये बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा स्पाइसी खाना चाहिए, इसीलिए वो बोल रहे हैं चिकन रोगन जोश लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो हम उसी के लिए वेट कर रहे हैं। वो उन्होंने प्लेट सर्व कर दिया है, हमने स्टार्टर में ओनली सूप ऑर्डर किया है। और आएगा मेन्यू, देखिएगा, फ्राइड राइस, चिकन रोगन जोश एंड नान। सूप आ चुका है। मुझे तो खाना का फ्राइड राइस नान सूप वगैरह बहुत अच्छा था, बट चिकन रोगन जोश थोड़ा सा, मतलब चिकन फ्रेश नहीं था इसीलिए मुझे वही थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ये हमारे बहरमपुर में कुछ नवाब कॉर्नर रेस्टोरेंट खुला है, अभी ओनली वन वीक हुआ है। और मेरे बेटे को सूप पीना पसंद तो है पर वो ज़्यादा पी नहीं सकता, हम जो खाएंगे वो खाएगा बोलेगा, पर वो नहीं खा सकता।
पर उसे अलग से बाउल चाहिए, इसीलिए हम थोड़ा सा उसे निकाल के दे रहे हैं। हम सॉल्ट डालेंगे तो वो सॉल्ट डालेगा, हम जो करेंगे वो करेगा, पर खा नहीं सकेगा तीखा, इसीलिए हम उसे दे रहे हैं। और होटल का इंटीरियर इतना अच्छा था ना, लाइटिंग स्लो, म्यूज़िक बहुत अच्छा था। उन्हें और मुझे वो अंदर का इंटीरियर डेकोरेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत साइलेंट है। और आप लोगों का संडे कैसे गुजरता है? मेरा हर संडे ऐसे नहीं गुजरता, बस ये लास्ट संडे था। और हमारे शॉप का वो जो बारंडा होता है ना, वो गवर्नमेंट ने तोड़ दिया था, म्यूनसिपालिटी ने तोड़ दिया था, उससे हम प्लास्टरिंग करवा रहे थे, इसीलिए आज वो फ्री थे, इसीलिए आ गए। कहा चलिए कुछ दिनों से हमने बाहर लंच नहीं किया, चलिए करते हैं। और आ गया हमारा डिश, गरम गरम नान, फ्राइड राइस एंड करी। तो मेरे साथ बने रहिए। लोग भी आएगा तो चखिएगा ज़रूर। 80% खाना मतलब मुझे पूछे तो 80% टेस्ट लग रहा है, टेस्टी था। बस करी में थोड़ा सा और कुछ हो सकता था, पर वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। जब हमने बोला करी का टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं था, तो तभी वहाँ का मैनेजर जाके और थोड़ा सा करी बना के लाए हमारे लिए, बट हमारा तो खाना ख़त्म हो चुका था, इसीलिए हमने मना कर दिया। वो थिंग मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और हम जब निकल रहे थे वहाँ से, उन्होंने हमारा फीडबैक भी मांगा कैसा लगा। बहुत ही बहुत ही पोलाइटली पूछा, सर कैसा लगा, क्या लगा। हमने हमारा फीडबैक दे दिया, उन्होंने बोला हम आगे काम करेंगे, तो आइएगा तो आइएगा ज़रूर हमारे इस होटल में, खाना अच्छा था। और मैं यहाँ से जाऊँगी हमारे मामा के यहाँ, वहाँ पे मैं नहीं लगता कि मैं कुछ वीडियो कैप्चर कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे हमारे फैमिली में मैं किसी को बताया नहीं है कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, इसीलिए किसी को बिना पूछे उनका वीडियो बनाना ठीक नहीं है। तो मेरे साथ बने रहिए और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि आज का डे और भी बिज़ी है, मुझे नहीं लगता कि मैं बना पाऊँगी। तो आप सब लोगों का अगर मेरा हमारा ये छोटा सा लंच ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, आपको क्या करना है, पहले सब्सक्राइब करना है, फिर बेल आइकन को दबाना है और लाइक बटन को भी दबाना है। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करना है। बाय और थैंक यू मुझे इतना अच्छा लंच करवाने के लिए और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। क्या सुनाई दे रहा है पतिदेव? बाय।
यहाँ पे मेरी बड़ी माँ और हमारे मामी मामा बड़े पापा सब उनके गेट के बाहर बैठ के वो हमारे यहाँ पे कार्निवल चल रहा है ना माता रानी का, सॉरी ठाकुरानी यात्रा चल रही है, वही बैठ के देख रहे हैं।